हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तराखंड की बहुत ही फेमस रोटी, कोदे की रोटी या मंडवे की रोटी। इसको रागी भी कहा जाता है। इसको हम हरी चटनी और घी के साथ या हरी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। मंडवे का जो आटा होता है या कोदे का जो आटा होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। ये मैंने कोदे का आटा लिया हुआ है, लगभग 1.5 कटोरी, और इसमें मैंने आधी कटोरी से भी कम गेहूं का आटा यूज़ किया हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक यूज़ करूँगी। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इस आटे को गूंदूँगी। ये मेरा आटा गूंथ के तैयार है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रख दूंगी। ये 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको मिक्स करूंगी। और अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। कोदे की रोटी को हल्का सा मोटा बनाया जाता है क्योंकि पतले में इसका फटने का डर रहता है। इसको मैं ऐसा करके ही थोड़ा सा बड़ा करूँगी। ये मैंने गैस में तवा रख दिया है गरम होने के लिए। ये मेरा तवा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें रोटी ऐड करूँगी। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे एक साइड 1 मिनट तक रहने दूँगी। ये मेरी रोटी दोनों तरफ सिक के तैयार है। अब मैं इसको गैस में डायरेक्ट सेकूँगी। इसको डायरेक्ट गैस में इसलिए सेका जाता है क्योंकि ये अच्छे से पक जाए और थोड़ी सी करारी हो जाए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। ये मेरी रोटी सिक के तैयार है। ये मेरी दूसरी रोटी भी लगभग बन के तैयार है और अब मैं इसको डायरेक्ट गैस में थोड़ी देर सेकूंगी। ये मेरी रोटी अच्छे से सिक चुकी है और अब मैं इसको गर्मा गर्म घी, मैं कोदे की गर्मा गर्म रोटी घी के साथ और पहाड़ी नमक के साथ सर्व करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।